शीर्षक अनावरण उथल पुथल मेतेई अरंबाई हिंसा 3 मई 2023 से मणिपुर पकड़ती है परिचय। 3 मई 2023 के भाग्यवादी दिन पर मणिपुर, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, हिंसा के एक भंवर में जोर दिया गया था क्योंकि मेतेई अरंबाई समूह ने आतंक की लहर फैला दी थी। यह तिथि क्षेत्र के इतिहास में एक अंधेरे अध्याय को चिन्हित करती है क्योंकि समुदाय इस विद्रोही समूह द्वारा गणना की गई और निर्मम हमले के नतीजों से जूझ रहे हैं। उस दिन से सामने आई घटनाओं ने न केवल सुरक्षा की नींव को हिला दिया बल्कि मणिपुर की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप भी छोड़ी। हिंसा में वृद्धि। 3 मई 2023 को मेतेई अरंबाई हिंसा के बढ़ने ने मणिपुर के विभिन्न जिलों में हमलों की समन्वित श्रृंखला का रूप ले लिया। व्यवसायों और निवासों से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक के लक्ष्य अराजकता और भय की भावना पैदा करते हैं जो पूरे क्षेत्र में व्याप्त हैं। इस गणना की गई चाल ने हिंसा की छिटपुट घटनाओं से एक प्रस्थान को चिन्हित किया जो क्षेत्र में अतीत में देखा गया था, जो उग्रवाद के अधिक संगठित और खतरनाक चरण का संकेत था। जबरन वसूली और जबरदस्ती। 3 मई की हिंसा के दौरान अरंबाई समूह की एक लंबी रणनीति जबरन वसूली अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। व्यवसायों, विशेष रूप से ईंधन, गहने और आतिथ्य क्षेत्रों में उन लोगों को नए सिरे से लक्षित किया गया था। समूह सशस्त्र और उभरा हुआ। व्यापार मालिकों को हिंसा या प्रतिशोध के खतरे के तहत अत्यधिक रकम का भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें आगजनी और शारीरिक नुकसान के उदाहरणों के साथ गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ा जो दुखद रूप से सामान्य हो गया। चोरी और लूट। जैसे जैसे हिंसा सामने आई अरंबाई गुट व्यापक चोरी और लूट में लगे रहे, समुदायों को और अस्थिर कर दिया। घर और व्यवसाय निर्मम छापों के केंद्र बिंदु बन गए। कीमती सामान, धन और संपत्ति के साथ जो कि त्याग के साथ जब्त किए गए थे। इन कृत्यों की अंधाधुंध प्रकृति ने पीड़ितों को सदमे की स्थिति में छोड़ दिया, न केवल भौतिक नुकसान के साथ बल्कि अपने स्वयं के स्थानों की पवित्रता के भीतर उल्लंघन का आघात भी। मजबूर पेट्रोल और डीजल पंप शोषण। 3 मई की हिंसा की एक विशिष्ट विशेषता पेट्रोल और डीजल पंपों का ऊंचा शोषण था। पंप मालिकों को बिना किसी शुल्क के अरंबाई समूह के वाहनों के लिए ईंधन निकालने के लिए बंदूक की नोक पर मजबूर किया गया था। इसने न केवल पंप मालिकों पर आर्थिक कठिनाई को भड़काया बल्कि उस पागलपन को भी रेखांकित किया जिसके साथ समूह ने कानूनन लेन देन और समुदाय की आर्थिक भलाई के लिए पूर्ण उपेक्षा प्रदर्शित की। नागरिक जीवन पर प्रभाव। नागरिक जीवन पर 3 मई की हिंसा का प्रभाव गहरा और दूरगामी था। परिवारों को विस्थापित किया गया, व्यवसायों को बंद कर दिया गया और दैनिक जीवन के मैदान में व्यापक भय का सामना करना पड़ा। व्यक्तियों पर मनोवैज्ञानिक टोल, विशेष रूप से जो सीधे अनुभव करते थे या हिंसा के गवाह थे, अथाह थे। एक बार साझा विरासत और आकांक्षाओं से बंधे समुदायों ने अब खुद को खंडित और घेर लिया। सरकारी प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपाय। बढ़ती हिंसा के जवाब में मणिपुर सरकार ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आदेश को बहाल करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय शुरू किए। अरंबाई गुर्गों की पहचान करने और उन्हें बेसर करने पर ध्यान देने के साथ सुरक्षा अभियान तेज कर दिया गया। खुफिया जानकारी एकत्र करना सर्वोपरि हो गया क्योंकि सरकार ने समूह के नेटवर्क को खत्म करने और उनकी जड़ों में इसकी गतिविधियों को बाधित करने की मांग की। अशांति को कम करने और कमजोर समुदायों की रक्षा के लिए कर्फ्यू और बढ़े हुए सुरक्षा जांच सहित आपातकालीन उपायों को लागू किया गया था। सरकार एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता से परिचित है। पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार से समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों में लगी हुई है। चुनौती न केवल तात्कालिक खतरे को दबाने में थी
बल्कि उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित कारकों को संबोधित करने में भी थी। सार्वजनिक आक्रोश और सिविल सोसाइटी प्रतिक्रिया। 3 मई की हिंसा ने मणिपुर के लोगों से एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया प्राप्त की। अरामबाई समूह के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश और उनकी हिंसक रणनीति पूरे क्षेत्र में बदल गई। नागरिक समाज संगठनों और कार्यकर्ताओं ने प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने, उनकी आवाजों को बढ़ाने और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट रुख का आह्वान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय नेताओं, धार्मिक हस्तियों और मेटी समुदाय के भीतर प्रभावित लोगों ने हिंसा के खिलाफ बात की, शांति संवाद की आवश्यकता और शिकायतों को दूर करने के लिए एक सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। जमीनी स्तर पर आंदोलनों और जागरूकता अभियानों ने गति प्राप्त की, जिससे मणिपुर के लोगों में एकता और लचीलापन की भावना पैदा हुई। अंतर्राष्ट्रीय चिंता और मानवीय निहितार्थ। मेतेई अरामबाई समूह द्वारा जारी हिंसा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी का ध्यान नहीं गया। मणिपुर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बारे में पड़ोसी देशों और वैश्विक समुदाय द्वारा चिंता जताई गई थी। क्षेत्रीय अस्थिरता के संभावित स्पिलओवर प्रभावों को स्वीकार किया गया। राजनयिक हस्तक्षेप और प्रभावित समुदायों के लिए समर्थन के लिए कॉल को प्रेरित किया। मानवीय संगठनों ने हिंसा से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विस्थापित परिवारों, आघातग्रस्त व्यक्तियों और संकट में व्यवसायों को आश्रय, चिकित्सा सहायता और मनोसामाजिक सहायता के रूप में सहायता मिली। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संकट की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी, संकट के लिए एक त्वरित समाधान और सामान्य स्थिति में वापसी का आग्रह किया। निष्कर्ष। 3 मई 2023 की घटनाओं ने मणिपुर पर एक लंबी और अशुभ छाया डाली, जिससे निशान ठीक हो गए। मेतेई अरामबाई समूह की आर्केस्ट्रा हिंसा ने भय और अनिश्चितता की लहर को जन्म दिया, जो उन समुदायों की लचीलापन को चुनौती देता है जिन्होंने लंबे समय तक सांस्कृतिक समृद्धि और सद्भाव पर गर्व किया है। सरकार के रूप में सुरक्षा बल और नागरिक समाज इस खतरे का सामना करने के लिए हाथ मिलाते हैं। मणिपुर के लिए आशा प्रतिकूलता को दूर करने, शांति बहाल करने और हिंसा के दर्शक से मुक्त भविष्य का निर्माण करने के लिए एक सामूहिक दृढ़ संकल्प में है। आगे का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन ठोस प्रयासों के साथ मणिपुर उथल पुथल की राख से उठ सकता है और मजबूत, अधिक एकजुट हो सकता है और कल एक शांतिपूर्ण और समृद्ध के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। शीर्षक। अनरविलिंग द मैनिस द टेररिस्ट मेतेई अरामबाई ग्रुप और मणिपुर में आतंक का उनका शासन परिचय। मणिपुर के सुरमय परिदृश्य में एक अंधेरे छाया जीवंत सांस्कृतिक टेपेस्ट्री पर घूमती है। एक बार एक फ्रिंज इकाई मेटी अरामबाई समूह ने आतंक की एक दुर्जेय शक्ति के रूप में रूपांतरित किया है, जो अत्याचारों की एक लहर को उजागर करता है, जिसने क्षेत्र के सामूहिक मानस पर एक निशान छोड़ दिया है। जबरन वसूली और चोरी से लेकर हिंसा के बेशर्म कामों तक आतंक के उनके शासनकाल ने मणिपुर को भय और अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है। मूल और विचारधारा। मेतेई अरामबाई समूह की जड़ों को जातीय संघर्ष और राजनीतिक उथल पुथल की विशेषता मणिपुर के इतिहास में एक कठिन अवधि में वापस खोजा जा सकता है। स्वायत्तता के लिए शिकायतों और आकांक्षाओं से प्रेरित अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में हिंसा को गले लगाते हुए अरामबाई के बैनर तले मोहभंग करने वाले व्यक्तियों का एक गुट। उनकी विचारधारा अलगाववाद और राज्य के प्रति नाराजगी की धारणाओं में डूबी हुई है, जो मेटी समुदाय के भीतर अप्रभावित तत्वों के लिए एक रैली रो के रूप में कार्य करती है। अत्याचार और मोडस ऑपरेंडी। मेतेई अरामबाई समूह का मोडस ऑपरेंडी उतना ही निर्दयी है जितना कि इसकी गणना की जाती है। एक्सटॉर्शन फंडिंग के उनके प्राथमिक स्रोतों में से एक ब्रेजिन इंपुनिटी के साथ किया जाता है। व्यापार मालिकों, विशेष रूप से ईंधन और गहने क्षेत्रों में हिंसा के खतरे के तहत भारी रकम का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं।
अक्सर अनुपालन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप गंभीर परिणाम होते हैं, जिसमें आगजनी और व्यक्तियों और संपत्ति दोनों को शारीरिक नुकसान होता है। चोरी समूह की आपराधिक गतिविधियों की एक और पहचान है। हथियारों और हक की भावना के साथ सशस्त्र आरामबाई ऑपरेटिव घरों और व्यवसायों को लक्षित करते हैं, कीमती सामान और संपत्ति को लापरवाह परित्याग के साथ लूटते हैं, धन गहने और अन्य उच्च मूल्य की वस्तुओं को अंधाधुंध रूप से जब्त कर लिया जाता है, जिससे पीड़ितों को उनके मद्देनजर आघात और विनाश होता है। मेते आरामबाई समूह द्वारा नियोजित सबसे कपटी रणनीति में से एक पेट्रोल और डीजल पंपों की जबरन कमांडिंग है। समूह के वाहनों और परिचालनों को ईंधन देने के लिए पंप मालिकों को अक्सर बंदूक की नोक पर ईंधन मुक्त करने के लिए मजबूर किया जाता है। जबरदस्ती का यह बेशर्म कृत्य न केवल व्यवसाय मालिकों को उनकी आजीविका से वंचित करता है, बल्कि कानून के शासन और बुनियादी मानवीय शालीनता के लिए समूह की उपेक्षा को भी रेखांकित करता है। समाज पर प्रभाव। मेती आरामबाई समूह द्वारा फैलाए गए आतंक के शासन का मणिपुर के लोगों के लिए दूरगामी परिणाम हुए हैं। भय और व्यामोह समुदायों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वे हिंसा और धमकी के दर्शक के साथ जूझते हैं। आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया जाता है, क्योंकि व्यवसाय जबरन वसूली और चोरी की स्थिति में अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। चोतले। क्षेत्र का सामाजिक ताना बाना फटा हुआ है, क्योंकि विश्वास और एकजुटता संदेह और आत्मसंरक्षण का रास्ता देती है। सरकारी प्रतिक्रिया और प्रतिवाद। मणिपुर की सरकार ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मेटी आरामबाई समूह द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। खुफिया जानकारी एकत्र करना, लक्षित संचालन और समुदाय आउटरीच समूह की बुनियादी सुविधाओं को नष्ट करने और इसकी नापाक गतिविधियों को बाधित करने के लिए अपनी रणनीति की आधारशिला बनाते हैं। हालांकि संगठन की गुप्त प्रकृति महत्वपूर्ण चुनौतियों को प्रस्तुत करती है, जिसके लिए एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो उग्रवाद के लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करता है। मेतेई इम्फाल सरकार द्वारा बुलेट बख्तरबंद वाहनों की खरीद आरामबाई समूह द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस इन विशेष वाहनों का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देने और अपने नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार की क्षमता को बढ़ाना है। सैनिकरण और मानवाधिकारों के हनन के बारे में चिंताओं के कारण कुछ तिमाहियों में विवादास्पद बुलेट बख्तरबंद वाहनों का अधिग्रहण मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की गंभीरता और निर्णायक कार्रवाई की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। निष्कर्ष। मणिपुर में आतंक के मेती आरामबाई समूह का शासन क्षेत्र के इतिहास में एक अंधेरे अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हिंसा, भय और अनिश्चितता की विशेषता है। जबरन वसूली, चोरी और जबरदस्ती के उनके बेशर्म कामों ने मणिपुर के लोगों पर अनकही पीड़ा पहुंचाई है, जिससे उन दागों को छोड़ दिया जा सकता है जो पीढ़ियों तक ठीक हो सकते हैं। फिर भी अंधेरे के बीच आशा है कि भविष्य के लिए आशा है, जहां शांति और स्थिरता सर्वोच्च है और सभी समुदायों की आकांक्षाओं को एकजुट और समावेशी समाज के ढांचे के भीतर महसूस किया जाता है। केवल सरकार और नागरिक समाज दोनों द्वारा ठोस प्रयासों के माध्यम से मणिपुर आतंकवाद के बंधनों से मुक्त हो सकता है और कल एक उज्ज्वल की ओर एक कोर्स कर सकता है।